आर्मी रिक्रूटमेंट 2020। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखिएगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर इस भर्ती को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊं, जिसमें आपको यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बताया गया है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के लिए होगी, टेक्निकल और ट्रेडमैन की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। आपको जो यहाँ पर अपना आवेदन फिल करना है, केवल और केवल आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड से इस भर्ती में आवेदन करना होगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले दिशा और निर्देशों को रीड करना होगा, इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। आपको यहाँ पर सभी जानकारी अपनी फिल करनी है, जैसे आधार कार्ड हुआ, कैंडिडेट का नाम हुआ, उसके पापा का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है, मदर नेम देना है। आपको यहाँ पर सभी जानकारी करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। किस प्रकार से आपको यहाँ पर अपना आवेदन फिल करना है, इसकी जानकारी के लिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो इंडियन आर्मी की ओर से रेली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। 17 अक्टूबर को यहाँ पर आपकी रैली शुरू हो जाएगी, यानी कि 17 अक्टूबर से आप यहाँ पर इस भर्ती में दौड़ लगाने के लिए जा पाएंगे। और अगर आप कम से कम 8वीं पास है तो आप इस भर्ती में जा पाएंगे, यानी कि अगर आपने 8th पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, प्लस आपको यहाँ पर कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है। सभी वैकेंसी की जानकारी के लिए आपको वीडियो कम्प्लीट देखना होगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहां से ज्वाइन कर पाएंगे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि यहाँ पर इसकी ओर से भर्ती चलेगी। जो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है, तो नोट मेंशन यानी कि नहीं बताया कितनी वैकेंसी निकाली गई है। और कभी भी जो आर्मी होती है ओपन रैली भर्ती की वैकेंसी ओपन नहीं करती है, यानी कि नहीं बताती है कि कितनी वैकेंसी इस बार निकाली गई। जो आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी चेक कर पाएंगे। जो आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी, जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के लिए होगी, सोलर टेक्निकल, ट्रेडमैन 10th पास, और जो ट्रेडमैन की वैकेंसी होगी आपको यहाँ पर 8वीं पास के लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अगर हम इस भर्ती के फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इसमें आपको हाइट, वेट, चेस्ट, जो आपकी रनिंग होगी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगी। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जनरल ड्यूटी ट्रेडमैन पोस्ट के लिए जो आपकी हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना अनिवार्य है। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, जो आपकी हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना अनिवार्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। जो आपका वेट रहेगा 50 किलोग्राम होना अनिवार्य। जो आपकी चेस्ट रहेगी 77+5 सेंटीमीटर का फुला होना अनिवार्य, केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए। जो आपके यहाँ पर रनिंग टेस्ट होगी वो आपको यहाँ पर 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर की आपको यहाँ पर दौड़ लगानी होगी। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड का समय लेते हैं, यानी कि 5 मिनट 30 सेकंड से कम में लगाते हैं, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में लिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड में लगाते हैं तो आपको यहाँ पर सेकेंड ग्रुप में लिया जाएगा। सेटअप्स आपके यहाँ पर 10 रहेंगे और आपको यहाँ पुशअप्स भी आपको यहाँ पर 10 लगाने होंगे। कि आपको जो आवेदन करना है ऑनलाइन मोड से, आपको यहाँ पर अपना आवेदन फिल करना होगा। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो आप करेंगे ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल रहेगा, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। एप्लीकेशन जो फीस होगा सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती की एज लिमिट की बात करें, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे 17.5 ईयर से लेकर 23 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। वैसे यहाँ पर कुछ पोस्टों के लिए 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर के बीच भी होना अनिवार्य है। और इस भर्ती में आपको यहाँ पर कोई एज में छूट भी नहीं मिलेगी। जो एससी एसटी को 5 ईयर की छूट मिलती है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर छूट मिलती है, इस भर्ती में वो रूल लागू नहीं होगा। आप यहाँ पर एज चेक कर पाएंगे। जो जनरल ड्यूटी की पोस्ट होगी 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर के बीच में होना अनिवार्य है। और सभी पोस्टों के लिए यहाँ पर 17.5 ईयर से लेकर 23 ईयर के बीच में आपकी एज होना अनिवार्य है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। फिजिकल डिटेल आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं
तो आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। एजुकेशन के सभी डिटेल, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट, एफिडेविट और पैन कार्ड और आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। यानी कि आपके पास एक आईडी प्रूफ भी होना अनिवार्य है। और जो एफिडेविट है, एफिडेविट आप बाद में बनवाएं तो बेटर रहेगा, जब आप वहाँ पर रनिंग लगा लेंगे अगर उसके बाद भी आप इसको बनवा सकते हैं। आपको वहाँ पर 3-4 घंटे का टाइम मिल जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हिंदी में जानकारी चाहिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी दी गई है। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। चलो मैं आपको नोटिफिकेशन से बताता हूँ। तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, जनरल ड्यूटी की पोस्ट होगी उसमें 10वीं पास होना अनिवार्य 45% अंकों के साथ और आपके हर सब्जेक्ट में 33 नंबर होना अनिवार्य। टेक्निकल पोस्ट में 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ यानी कि पीसीएम के साथ अगर आपने की हुई है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 50 नंबर होना अनिवार्य है और सभी सब्जेक्ट में आपके 40% अंक होने अनिवार्य है। ट्रेडमैन पोस्ट के लिए यहाँ पर सिंपल 10वीं पास अगर आप है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। 8th पास वैकेंसी में भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, सिंपल आपको 8वीं पास होना अनिवार्य है। आप यहाँ पर सभी डिटेल चेक कर पाएंगे। इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, यहाँ पर सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा यानी कि रनिंग टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम रहेगा। जो इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, ऑनलाइन फॉर्म जिस भर्ती के स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 22 सितंबर 2020 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। जो आपके एडमिट कार्ड है वो रैली की डेट से यहाँ पर 15 दिन पहले डिक्लेयर कर दिए जाएंगे यानी कि सेंड कर दिए जाएंगे। जो इस भर्ती के ऊपर रैली की डेट आई हुई है 7 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में आपके यहाँ पर कभी भी ओपन रैली भर्ती का एड्रेस और एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर लगातार टच में रहना होगा। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना रजिस्टर सेलेक्ट करना है और सभी जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ किस प्रकार से आवेदन करना है, लेकिन कम से कम अगर इस वीडियो 500+ लाइक आते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूँ किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता कर जाना। ग्रुप आप हमारे यहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे। नोटिफिकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अब बात रही यहाँ पर इस भर्ती में कौन कौन कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, तो अगर आप यहाँ पर चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से घर के कैंडिडेट है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। ये भी राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर रैली का एड्रेस अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।